नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण औषधि के बारे में जानकारी देना जा रहा हूँ। ये औषधि हम कचरा समझ करके फेंक देते हैं। आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसको हम कचरा समझकर फेंक देते हैं। और इस औषधि को बहुत मात्रा में ईश्वर ने हमको प्रदान किया है। इस औषधि को आयुर्वेद की भाषा में छल्ली के बाल बोला जाता है। छल्ली यानी भुट्टा, जिसको हम मकई बोलते हैं, मक्का, उसके ये बाल है दोस्तों। बहुत आसानी से मिलते हैं हर जगह पर। एक बार इसको देखें पहले आप, फिर मैं आपको इसके गुणों के बारे में बताऊंगा। बड़े काम की औषधि है और जो मृत्यु के मुख में जाने वाले जो रोगी हैं उनके लिए ये एक जीवन प्रदायिनी संजीवनी से कम नहीं है। तो देखें इस प्रकार के इसके ये बाल होते हैं, बुरे बुरे ये इस प्रकार के ये देखें आप, ये इस प्रकार से इसके बाल होते हैं ये दोस्तों। ये औषधि आपको सब जगह मिलेगी, मगर इसकी खास बात यह है कि ये मकई भी कई प्रकार की आजकल बाज़ार में आ रही है, हाइब्रिड है और अलग अलग नंबरों से आ रही है। सबसे सर्वोत्तम चीज़ तो ये है, जो श्वेत वर्णी मक्का है, जो सफ़ेद मक्का है, उसको हम देशी मक्का बोलते हैं। क्योंकि हाइब्रिड लोगों ने इंजेक्शन लगा लगा करके और अन्य प्रकार के प्रयोग कर करके मक्का को पैदा करना चालू कर दिया है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह मानता हूँ मैं। उन सब में सर्वोत्तम है श्वेत वर्णी मक्का, सफ़ेद मक्का, उसके बाल आप ले लीजिए। अब ये किन रोगों में काम आएगी, बड़े ध्यान से सुनिए। आजकल हम देख रहे हैं किडनी के रोगी, जो रोगी किडनी के हैं, जो डायलिसिस पर चल रहे हैं, जिनका दिन में दो दो तीन तीन बार डायलिसिस हो रहा है, जिनका क्रिएटिनिन चार चार पाँच पाँच पॉइंट आ चुका है, जिनका क्रिएटिनिन लेवल कम नहीं हो रहा है, यूरिया बढ़ा हुआ है ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में, पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, उन लोगों के लिए ये अमृत स्वरूप औषधि ईश्वर ने हमको प्रदान की है। मगर बड़ी विडंबना है कि जानकारी ना होने के कारण हम इस औषधि को यूं ही रोड पर फेंक देते हैं, और जिसका ना कोई मोल है ना कोई भाव है। मगर ये किडनी रोगियों को जीवन दान देने के लिए अमृत स्वरूप औषधि है, जो कि ईश्वर हमको प्रदान करता है। जो भी रोगी डायलिसिस पर हैं किडनी के, या जिनको किडनी में ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है या क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है और वो किसी भी औषधि से कंट्रोल में नहीं आ रहा है, रोगी हार मान चुका है, तो आप क्या करें, इस प्रकार ये मकई के बाल लाकर के करीब किलो डेढ़ किलो लाकर के आप घर पे रख लें। ताज़ा मिल जाए तो सर्वोत्तम है, ताज़ा नहीं भी मिले तो ये रखे हुए बाल भी बहुत काम देते हैं, 6 महीने तक 7 महीने तक भी ख़राब नहीं होते। आपको क्या करना है, ताज़ा जो बाल हैं करीब एक मुट्ठी के लगभग आपको लेना है, जो रोगी है उसकी एक मुट्ठी के बराबर बाल ले ले लें, और इस एक मुट्ठी बाल से 4 गुना जल अर्थात 1.5 से 2.5 गिलास पानी आपको लेना है, उसमें डाल करके आप इसको मध्यम मध्यम आंच पर पकाएंगे। पकाने से पहले ये ध्यान रखें, एक बार इन बालों को ला करके किसी साफ पानी से धो लें, ताकि बाल के अंदर के कंकड़ या गंदगी जो भी हो निकल जाए, या कोई कीड़ा काटा हो तो निकल जाए, आपको तकलीफ़ ना आए। लाने के बाद इसको उबालें, उबालने के बाद जब पानी 1/4 कप रह जाए, यानी समझ गए मेरी बात को आप, 1.5 गिलास का पानी 1/4 कप रह जाए, तो उसको आप कुनकुना हल्का ठंडा रहने पर आप उसको पीजिए। जब आप इसको धीरे धीरे पियेंगे चाय की तरह, तो आप देखेंगे कि चौथे दिन के बाद से आपका क्रिएटिनिन जो लेवल बढ़ा हुआ था, 4 पॉइंट था 5 पॉइंट था, वो धीरे 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 कम होता होता कंट्रोल में आने लग जाता है। और 15 दिन बाद आप जब जांच कराएंगे तो आपको आपका 5 पॉइंट जो क्रिएटिनिन लेवल था वो एक नंबर पर मिलेगा, एक। और जब आप इसको रेगुलर महीना भर पियेंगे तो आपका जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो 0.8 बिल्कुल नॉर्मल में आ जाएगा। जो आपका ब्लड में यूरिया बढ़ा हुआ है वो कंट्रोल में आएगा, जो पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, क्योंकि प्रोटीन ही तो मुख्य स्रोत है, प्रोटीन ही जब निकल जाएगा टॉयलेट के माध्यम से तो शरीर में जान ही नहीं रहेगी, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए इस मक्की के छल्ले से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। और किडनी के रोगियों के लिए तो ईश्वर ने वरदान बनाया है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कचरा समझ कर उसको फेंक देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि किडनी डायलिसिस पेशेंट के अलावा जिन रोगियों के किडनी में पथरी है, वो लोग यदि इसी प्रकार से इस मक्के के बालों का, छल्ली के बालों का
काढ़ा बना करके यदि उसमें एक कप जब पानी रह जाता है उबालने के बाद, उसमें एक रत्ती यवक्षार आप बाजार से ले आइए, यवक्षार जिसको हम जौ का खार बोलते हैं, यव खार बोलते हैं, उसको ला करके डाल करके पीजिए। 15 दिन के अंदर कैसी ही पथरी हो, 10-11 mm तक की, वो धीरे धीरे बारीक बारीक कणों के माध्यम से पेशाब में होकर निकल जाएगी, आपको तकलीफ बिल्कुल ही नहीं आएगी। ये मकई की जो भुट्टी है, इसके जो बाल हैं, इसका एक प्रयोग और बताता हूँ। यदि किसी बच्चे को कुकर खांसी हो गई है, कुकर खांसी, इसको हुपिंग कप भी बोल देते हैं, हुपिंग खांसी बच्चों में बहुत होती है, बहुत तकलीफ देह खांसी होती है। बच्चा जब खांसता है तो उसके फेफड़ों में जोर पड़ता है, मुंह लाल हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, और खांसते खांसते बच्चा थक सा जाता है। यदि हम ध्यान नहीं देते तो बच्चे की मृत्यु तक भी इस खांसी से होती देखी गई है। उसमें क्या करें, आप बाजार से बढ़िया एक डल्ली वाला सुहागा ले आए, करीब 1 तोला की डली ले लें, और 2 मुट्ठी के करीब ये बाल ले लें। इन बालों का इस प्रकार से गुच्छा बनाएं कि इस गुच्छे के बीच में वो डली रख करके आप ऊपर से दूसरा गुच्छा रखें इन्हीं बालों का, और उसको लपेट दें तागे से, और उसको किसी चूल्हे की राख में, जहाँ पर लकड़ी जलाई जाती है चूल्हे में, उसका जो खाना बनाने के बाद की जो अंगार रहती है उसमें उसको रख दें। तो उसकी मध्यम मध्यम अग्नि से क्या होगा कि सुहागा इस छल्ली के बालों की गर्मी से पकेगा, तो इस छल्ली के बालों का जो रस है, जो गुण है, वो भी उसमें आ जाएगा, और आने के बाद वो सुहागा बिल्कुल फूल जाएगा। उसको निकाल लें, ठंडा होने पर निकाल करके किसी बढ़िया खरल में, बढ़िया अच्छा खरल होना चाहिए, तांबड़े का हो या किसी चीनी पत्थर का खरल हो, बढ़िया खरल हो, तांबड़े का उत्तम रहता है, उसमें डाल करके खरल करें, और बढ़िया जब खरल हो जाए, सफ़ेद पाउडर बन जाए बढ़िया, तो 1 से 2 रत्ती जो छोटा बच्चा है 2.5 से 3 साल तक का, उसको शहद से चटाएं, और 3 साल से जो 8-10 साल तक के बच्चे हैं उनको 4 रत्ती तक की मात्रा आप शहद से चटाएंगे, तो आपको बच्चे को 4-5 दिन में बहुत आराम देखने को मिलेगा। उसकी कुकर खांस में, उसकी हुफिंग कफ में ये बहुत अच्छा कार्य करता है दोस्तों। अमृत समान औषधि ईश्वर ने हमको प्रदान की है, इसका हम लाभ उठाएं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ईश्वर ने हमको इतनी सारी औषधि देकर के भेजा इस पृथ्वी के ऊपर, मगर हमको उसका ज्ञान नहीं होने के कारण कचरा समझकर फेंक देते हैं। गांव में बहुत से जो गांव के किसान वर्ग के लोग हैं, वो क्या करते हैं, सीधे इसके बालों को जलाकर किसकी राख बना लेते हैं, और राख बना करके खांसी में चटाते हैं, वो भी फायदा करता है। मगर जो विधि मैंने बताई है, यदि आप उस विधि से बनाएंगे तो बहुत अच्छा लाभ देगा आप लोगों को। विशेष करके किडनी के पेशेंट्स ये ध्यान रखें कि वो लिक्विड ज़्यादा लें, जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है या जो डायलिसिस पर हैं, वो लिक्विड ज़्यादा लें। और तो और यदि किडनी के रोगी इस छल्ली के उबले हुए काढ़े के साथ में मकोई अर्क और पुनर्नवा अर्क को साथ में लेते हैं, तो वो अमृत के समान कार्य करने वाला है किडनी के डायलिसिस के पेशेंट्स पर, और क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है उसके ऊपर, तथा जिनका ब्लड यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है उसके ऊपर। एक बार आप इसको गौर से देख लें, ये छल्ली के बाल इस प्रकार से होते हैं, आप कहीं विस्मित ना हो। और कहीं भी जाएं सब्जी मंडी में, लोग इसको यूं फेंक देते हैं दोस्तों। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ज्ञान नहीं होने के कारण ये औषधि लाखों रुपए की बीमारी का इलाज चुटकियों में कर देती है। ये देखें आप दोस्तों, इसके माध्यम से एक बात और देखने को मिली हमको, जो पित्ताशय की पथरी है, जो पित्त की थैली में जो पथरी हो जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है अधिकतर, उसको भी गलाने में इसको महत्वपूर्ण पाया गया। कई कई वैद्य गणों से मेरी बात जब हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा है विकास जी, कि यदि इसके काढ़े को पित्त के पथरी के रोगियों को भी यदि लगातार 1-1.5 महीना पिलाया जाए, तो पित्त की थैली की पथरी को भी गलाने में ये औषधि सक्षम है। तरीका वही है, उसी प्रकार से आप काढ़ा बनाएं और इसको पिएं, उसमें यवक्षार प्लस आप चाहें तो कलमी शोरा थोड़ा सा मिला लें। कलमी शोरा क्या है कि मूत्रल होता है, वो पेशाब खोल के लाने वाली चीज़ है, यदि किसी का टॉयलेट रुका हुआ होता है तो वो खोल के लाता है। तो इसको पियेंगे तो किडनी की पथरी में और पित्ताशय की पथरी में बड़ा लाभ देता है दोस्तों। ये मैंने आज आपको
छल्ली जो है, भुट्टा जो होता है, उसके बालों की उपयोगिता से अवगत कराया है। किडनी की सबसे खतरनाक बीमारी जो है, जिसको डायलिसिस पर बोल देते हैं या क्रिटिनाइन लेवल बढ़ जाना बोल देते हैं, जो लोगों के लिए बड़ा दुखदेह है, रोगी बेड पर पड़ा रहता है, उस बीमारी से बचने के लिए एक छोटा सा प्रयोग मैंने बताया है। इस प्रयोग को लोगों तक पहुँचाएँ ताकि हर व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके। अगर आपको मेरे वीडियो दोस्तों पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।